तो हेलो गाइस, एंड वापस हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टोन फार्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी होगा। एंड टेक्नो गेमर ने भी बनाया है, भाई उज्जवल भाई ने हम लोग के बनाया ये वाला फार्म। एंड वही मैं पॉकेट एडिशन में बनाने जा रहा हूँ। एंड फिलहाल गाइस, यहाँ पे पीछे में तुम देख सकते हो मेरा जो गोल्ड का महल है मेरा, जो काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन पर लगा दूंगा, एंड आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड इतना सारा गोल्ड मेरे पास आया कहाँ से, तो ये वाला भी आपके गोल्ड के फार्म, गोल्ड के महल के ऊपर ऊपर में एक गोल्ड फार्म आपको दिख रहा है, तो वो वाला फार्म भी मैंने बनाया है पूरा। तो आपको उसका भी वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। एंड गाइस, अगर देखने जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना वीडियो को। तो फिलहाल आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा सामान को कलेक्ट करके रख लिया था, क्योंकि भाई मुझे अब वीडियो शूट करना है। तो अब मैं सारा सामान यहाँ से निकालूंगा, एंड फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फार्म बनाना। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओपी फार्म होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है ये फार्म, जिसमें से मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही मिलेगा स्टोन, हद से ज़्यादा मिलेगा। चलो भाई, तो यहाँ से हम लोग पहले अपने कासल से निकलते हैं, इसको पहले लॉक करते हैं। एंड एक अच्छी सी लोकेशन मुझे ढूंढनी है जहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना फार्म। ओके, तो लोकेशन मुझे मिल गया, मतलब मैं अपने घर के बगल ही में बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा। एंड यहाँ से बनाने का एक फ़ायदा है ना, कि यहाँ से मैं तुरंत आऊँगा एंड लेके चला जाऊँगा, एंड फिर जो भी यूज़ करना होगा मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। एंड इसको बनाने का मेन मोटिव है ना, कि मुझे जब भी स्टोन चाहिए होता है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मुझे माइनिंग करना पड़ता है, तब जाके मेरे पास अच्छा खासा स्टोन कलेक्ट होता है। तो अब मैं एक बार ये फॉर्म बना दूँगा तो मुझे बैठे बैठे आराम से मिलता रहेगा स्टोन। तो फिलहाल हम लोग 6 से 7 ब्लॉक ऊपर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे एक छत टाइप का डिज़ाइन करना है, 7x7, मतलब 7-7 ब्लॉक ऐसे आगे करके जाना है मुझे, एंड फिर पूरा का पूरा छत कंप्लीट करते हैं, कर देना है। एंड गाइस, वैसे आपको वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताओ, एंड वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर देना। तो फिलहाल नीचे एक ज़ॉम्बी है, तो एक ब्लॉक में और आगे लगाऊंगा, एंड फिर यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, एंड फिर उसके बाद पूरा का पूरा इसको अच्छे तरीके से भर देंगे। ओके, चलो ये तो हो गया। नीचे में भाई ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं, मतलब रात का टाइम हो गया, एंड बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, एंड साउंड भी भाई देख सकते हो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे माइनक्राफ्ट में पूरा। एंड फिलहाल चलो हम लोग अपना छत को पूरा अच्छे तरीके से भर दे रहे, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगे। एंड फिर हम लोग का काम भी भाई फटाफट कंप्लीट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हम लोग का ये स्टोन फार्म बनाने वाले में। एंड फिर ये स्टोन फार्म काफ़ी ज़्यादा ओपी भी लगेगा बनने के बाद, एंड भाई बहुत सारे स्टोन देने वाला है ये मुझे। ओके, तो चलो ये वाला कंप्लीट हो गया, तो इसको बगल से हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से कवर कर दे रहे, क्योंकि भाई इसके बीच में मुझे पानी को डालना है ना, अगर मैं इसको कवर नहीं करूँगा ना तो सारा का सारा पानी जो है वो नीचे गिर जाएगा, एंड मैं ऐसा नहीं चाहता। तो फिलहाल हम लोग का छत तो कम्प्लीट हो जाता है, हो गया है। एंड यहाँ पर मुझे कोना पर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ट्राइंगल का डिज़ाइन बनाना है, एंड फिर ये तो बन गया, एंड भाई 2 साइड और बनाना है मुझे। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले बना देते, पहले इसको कम्प्लीट कर लेते अच्छे तरीके से। ओके, तो ये हो गया है, एंड ये आखिरी साइड है, इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं। तो बस अब इसमें पानी भर के एक बारी चेक कर लेना मुझे। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम 100% वर्क कर रहा है, मतलब पानी वानी तो एकदम सही है। और फिर मुझे, मैंने पानी तो चेक कर लिया भाई, मतलब पानी मेरा एकदम परफेक्ट साइज़ का नापा हुआ है, तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग नीचे में चेस्ट लगाने वाले, अपने सारे के सारे चेस्ट प्लेस करने वाले। तो फिलहाल मुझे कुछ बॉर्डर टाइप का बनाना है, जहाँ पर हम लोग का ये लगा सकूँ, मैं हॉपर लगा सकूँ, मतलब ऊपर से अगर स्टोन गिरेगा तो हॉपर में आएगा, ना हॉपर से चेस्ट में आएगा। तो फिलहाल ऊपर में मुझे एक डिज़ाइन तैयार करना है, जहाँ पर हम लोग का पानी आराम से फ्लो हो पाए। ओके, तो ये इसको तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। ओके, चलो चलो इसको सीधे सीधे लेके आना है सामने की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग को टोटल कम से कम 7-7 14 ब्लॉक लगने वाला है, एंड 14x6 कर देंगे हम लोग उसको, 14 बोल रहा हूँ मैं, 7x6 कर देंगे, एंड फिर उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक यहाँ पे लग जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छा से चेस्ट लगाते हैं, एंड इसको ऐसे 7 ब्लॉक खींचना है मुझे, एंड बीच वाला को एक तोड़ना है, एंड फिर उसके बाद इसका भी पूरा कर देंगे, एंड इसको भी 7 ब्लॉक, मतलब पीछे वाला भी 7 ब्लॉक करेगा, सामने वाला भी 7 ब्लॉक करेगा। एंड फिर इसके नीचे में ऐसे 3 टाइप का एक लाइन से बनाना है मुझे 7-7 ब्लॉक का। तो पहले हम लोग फटाफट भरते हैं इसको। एंड गाइस, ये तो कंप्लीट हो चुका है, मेरा चेस्ट पूरा लग गया है। अब इसमें हॉपर को सबको मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो मेरा हॉपर भी पूरा का पूरा कनेक्ट हो चुका है। तो आप गाइस, यहाँ पर मुझे मेन हॉपर लगाना है, जिससे हम लोग का स्टोन में हॉपर, मतलब चेस्ट में आएगा डायरेक्ट से। एंड ओके, तो ये सब पूरा कम्प्लीट है, मैंने पूरा रेडी कर दिया नीचे का काम। तो नीचे का काम जो है ना हम लोग का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कम्प्लीट हो चुका है। तो अब बाड़ी है मुझे यहाँ से ऊपर में एक मशीन सेट करने का, तो बस उसको हम लोग सेट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग सेंटर यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटर, एंड यहाँ से मुझे 7 से 8 ब्लॉक ऊपर जाना है, फिर 7 से 8 ब्लॉक पीछे की तरफ जाना है। तो ओके, तो शायद मैं 7 ब्लॉक ऊपर आ चुका हूँ, 7 या 6 भी होगा तो चलेगा। ओके, तो अब मुझे जाना है पीछे की साइड।
तो थोड़ा ये एक बारी लोकेशन में अच्छे से देख ले रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे धीरे धीरे पीछे की साइड, एंड पीछे की साइड जाने के बाद एक लंबा सा लाइन बनाना है यहाँ पे। ओके, तो कितने ब्लॉक हो गए यहाँ पे, छः छः हो गया है। तो चलो भाई, छः भी सही है। तो यहाँ से हम लोग और चार चार लेफ्ट और राइट पे हम लोग ब्लॉक लाएंगे, चार चार ब्लॉक लाएंगे, जहाँ से यहाँ पे एक बेस बन जाएगा, अच्छा सा चौड़ा सा बेस बन जाएगा। तो वो वाला पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ओके, ये हो गया है। अब इसके आगे एक और लाइन मुझे भरनी है, एंड ये ब्लॉक एक बार मैं गिन लेता हूँ। ओके, चलो एकदम परफेक्ट है, दोनों तरफ चार चार इक्वल साइज़ का ये बन चुका है। तो अब मुझे थोड़ा सही से यहाँ से आगे की तरफ ब्लॉक लगाना होगा। ओके, चलो एक लगाते हैं यहाँ पे, सही से थोड़ा देख के लोकेशन मुझे लगाना होगा। एक लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड चलो इसको भरते हैं फटाफट, इसको भरते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगा कि भाई एक्स्ट्रा ना लगे कोई। चलो ये हो गया है। अब यहाँ पे मुझे पिस्टल लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग बनाते हो ना ये वाला, अगर ये वीडियो देख के आप बनाते हो ना, तो आप नॉर्मल पिस्टल लगाना है, एंड मैं बाय मिस्टेक स्टिकी पिस्टल भी लगा देता हूँ, लेकिन ये भी चलता ही है, कोई बात नहीं है। ओके, चलो तो इसको यहाँ पे सेट करते पहले। तो सारे के सारे मैंने स्टिकी पिस्टल को सेट कर दिया है, एंड फिलहाल एक को तोड़ना होगा मुझे, मतलब दोनों साइड का एक एक निकालना होगा जहाँ से हम लोग बाउंड्री घेरेंगे। तो पहले हम लोग साइड से एक एक निकाल लेते हैं, पहले इसको तोड़ता हूँ मैं। अच्छा, ये तो मुझे सही लग रहा है। नहीं 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 इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ते चलो। हाँ चलो, ये टूट गया है, एंड बस यहाँ से मुझे ब्लॉक घेरना है एक, एंड फिलहाल लोग दूसरी साइड का भी तोड़ देंगे। ओके चलो, ये भी टूट चुका है ऑलमोस्ट, मेरा यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार कांच नीचे लेके आता हूँ, एंड यहाँ पर मैं ग्लास को लगाऊंगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से मुझे ग्लास लगाना है। तो मुझे चाहिए सी शेप का चाहिए ग्लास थोड़ा सा, तो कुछ ऐसे देख के लगाना होगा। ओके चलो, एक यहाँ पर लगाते हैं, एंड दूसरा ऐसे सामने, तीसरा इसके सामने लगाना होगा मुझे। चलो ये ऐसे लगाते हैं, ये ऐसे। तो भाई ये एक साइड का तो कंप्लीट हो गया। तो अब मुझे ऐसा ही दूसरा साइड में भी बनाना है, एकदम सेम टू सेम ऐसा दिखने वाला दूसरा साइड में बना देना। ओके चलो, ये हो गया, ये हो गया, एंड फिर यहाँ पे एक हो गया। ओके गाइस, तो इतना तो हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर बस मुझे ये करना है, स्टोन से इसको कवर करना है सामने से, एंड फिर ऐसे ही सेम टू सेम चार बनाना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी चार भी बनाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको स्टोन से सामने की तरफ अच्छे से कवर कर देता हूँ। ओके चलो 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 चलो, ये यहाँ पे आ गया। अब मुझे एक और बेस बनाना है यहाँ सामने पे, जहाँ पे मैं और स्टिकी पिस्टल लगाऊंगा। तो गाइस, हम लोग फटाफट से ये काम को भी कंप्लीट करते हैं, एंड ऐसा ही सेम टू सेम दिखने वाला चार से पांच बना लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट चार ही बनाना, मुझे चार काफ़ी रहेगा। एंड मेरा फार्म थोड़ा छोटा ही है, तो भाई चार एकदम मस्त रहेगा, और मुझे उतना भी ज़्यादा स्टोन का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पास थोड़ा बहुत भी स्टोन रहेगा ना, तो वो चलेगा आराम से, हम लोग का काम हो जाएगा, एंड हम लोग आराम से बहुत दिन तक इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड चलो भाई सही है। तो यहाँ पे लगभग मैंने तीन तो बना लिया है, तो मुझे चौथा वाला लास्ट बनाना है। तो इसको भी हम लोग फटाफट तैयार करते हैं, एंड मेरा ऑलमोस्ट सब तो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन तो गाइस, अब बारी है यहाँ पे कुछ रिपीटर्स एंड रेड स्टोन को सेट करने का। तो हम लोग फटाफट से अपना रिपीटर एंड रेड स्टोन को यहाँ पर सेट कर देते हैं, जिससे भाई हम लोग का यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग का जो ये फार्म है ये आराम से चलेगा यहाँ पर। ओके, तो ये गलत लग गया, तो इसको कुछ इस तरफ से लगाना, तो मुझे नीचे जाके लगाना होगा। ओके चलो, ये लग गया यहाँ पे, एंड ये भी लग गया। चलो अब थोड़ा सा रेड स्टोन यहाँ पे बैठाया जाए अच्छे से। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा रेड स्टोन यहाँ पे लगा देंगे, जिससे सारा का सारा केबल जो है वो कनेक्टेड हो जाएगा, एंड सारा का सारा स्टिकी पिक्सल जो है हमारा वो चलने लगेगा। ओके चलो, ये हो गया है, एंड यहाँ पे सारा का सारा पिस्टल कनेक्ट है। अब इसके ऊपर वाले पिस्टल को कनेक्ट करना है, तो उसको हम लोग फटाफट से कनेक्ट करेंगे आपस में सबको। ओके गाइस, तो चलो इसको फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं एक बारी। ये हो गया, तो हम लोग का ये आखिरी वाला है, तो ये भी हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। एंड तो ओके, ये तो हो गया। अब इसको सामने से थोड़ा सा कवर करना है मुझे। ओके, तो अब मुझे थोड़ा वाटर डाल के यहाँ पर चेक करना है। फिलहाल हम लोग पूरा मशीन में अच्छे से वाटर डाल के चेक कर ले, तो गाइस एकदम बढ़िया काम कर रही है, एकदम मस्त काम कर रहा है, एंड वाटर दोनों तरफ से फ्लो हो रही, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ओके चलो, इसको हटाते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर लग गया, तो ओके कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं, एंड यहाँ पे भी एक पानी डालते हैं। एकदम मस्त चल रहा है, एकदम परफेक्ट, एकदम वर्क कर रहा है गाइस। ये हम लोग का पानी यहाँ तक तो एकदम सही हुआ है, एंड अब बस आगे देखना है कि आगे कैसा काम करता है ये। ओके चलो, ये तो हो गया, एंड ऐसा सेम मैंने दूसरी साइड भी बनाना है। ओके ओके चलो, यहाँ पे ये एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, इतना तो मुझे पता चल गया भाई, इतना मुझे समझ में आ गया ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो इसके ऊपर एक बार थोड़ा छत ऐसा टाइप का डिज़ाइन कर दे रहे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लावा रख सकते हैं, एंड लावा रखेंगे, फिर वो लावा पानी में गिरेगा, एंड पानी से लावा से स्टोन बनेगा, एंड फिर उसके बाद जो हमारा स्टिकी पिस्टल है ना, वो उसको आगे की तरफ पुश कर देगा, एंड फिर उसके बाद पीछे जो है वो वहाँ पे जगह खाली हो जाएगा, एंड फिर से वहाँ पे हम लोग का स्टोन बन जाएगा लावा और वाटर मिक्स होके। तो गाइस, ऐसे ही हम लोग का ये काम करने वाला मशीन, एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है स्टार्ट होने के बाद।
ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट रात हो चुका है एंड मेरा लगभग काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है एंड मेरा जो दोनों तरफ का जो मशीन था वो दोनों तरफ का बन चुका है। तो गाइस अब बारी है आपको दिखाने की कि हम लोग का मशीन कैसा वर्क कर रहा है एंड कैसा लग रहा है देखने में। तो देखो गाइस ये मशीन कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन भाई जो बैट है ना वो मुझे मार के गिरा दिया। तो फिलहाल हम लोग सो जाते हैं एंड रात हो गया था तो भाई तो इसीलिए इसने मार दिया मुझे आके। तो अब सुबह हो गया है एंड गाइस देख सकते हो सुबह कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है सुबह माइनक्राफ्ट में। ओके तो चलो गाइस हम लोग अभी दिखाते हैं गाइस हमारा जो स्टोन फार्म है वो कैसा लग रहा है एंड कितना ज़्यादा स्टोन वो अभी मुझे दे रहा है एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। लेकिन गाइस ये वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके चलो इसको हटाते पहले एक इस गेट को लॉक करता हूँ। मेरा आयरन गोलम बाहर भाग गया भाई, अंदर जान आयरन गोलम भाई बाहर आ गया भाई। ओके चलो हम लोग एक बार दिखा देते गाइस आपको हम लोग का स्टोन फार्म। तो देखो गाइस ये ऐसा लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा मस्त है एंड बीच में तुमने देखा कि भाई जैसे जैसे पत्थर आगे आ रहा है एंड फिर थोड़ी देर में यहाँ पे TNT गिर रहा है बीच में एंड देखो गाइस ये देखो अभी ये फटा एंड वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टोन टूट के गिरा वहाँ से एंड वहाँ से सब चेस्ट में मेरा कलेक्ट होते रहेगा। तो चेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगा दिया मैंने कि मतलब इनफाइंड जो है मतलब अनलिमिटेड एकदम कलेक्ट होते रहेगा इसमें मेरा एंड जितना चाहे उतना मैं स्टोन यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने सारे दोस्तों के पास भेजो भाई, मतलब अपना हर एक फ्रेंड के पास भेजो एंड गाइस सपोर्ट दिखाओ अपने भाई को। ओके चलो देखते हैं अब क्या हुआ है ये। चलो एकदम यहाँ पे देखो आके कलेक्ट हो रहा, तो ये धीरे धीरे आएगा आराम से। मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चेस्ट है, तो भाई बहुत सारे चेस्ट है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा सब में भरने में। तो गाइस आराम से मुझे जब जितना भी स्टोन का ज़रूरत लगेगा मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताओ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो भाई फिर से सब्सक्राइब करो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट।